राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार मोर्चा के द्वारा अर्थनग्न प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सभी प्रदर्शनकारियों ने अपने ऊपर के सभी कपड़ों को खोलकर सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। जनजातीय मंत्रालय केंद्र सरकार के आदिवासी और आरक्षण विरोधी नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह विरोध राष्ट्रपति द्वारा पारित कानून एक्ट 23/2016 में 11 आदिवासी जातियों की अधिसूचना जारी करने को लेकर व 23/2106 एक्ट में लोहार लिखा अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर किया गया। इस दौरान राजकिशोर शर्मा ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के कानून मंत्री से गुहार करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा पारित एक्ट में लोहरा जाति को जल्द से जल्द सुधार कर लोहार करें, साथ ही 11 आदिवासी जातियों की अधिसूचना जारी करें। इस मुद्दे को कई बार हम लोगों ने उठाया है, लेकिन अभी तक सरकार हम लोगों के साथ न्याय नहीं की है। उन्होंने बताया कि लोहार जाति को 1950 से लेकर 2006 तक लोहार लिखा जाता था, लेकिन उसके बाद उसे लोहरा कर दिया गया और 2016 में भी एक्ट पारित होने के दौरान सरकार ने इसे निराश कर दिया। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि जैसे मोदी जी ने 370 हटाया, राम मंदिर का मुकदमा जीता, NRC लाने का काम किया, नोटबंदी, उसी प्रकार से मोदी जी हम लोगों पर भी ध्यान दे। ये बिहार देश के 11 आदिवासी जातियों से जुड़ा हुआ मामला है, जो 9/5/16 को राष्ट्रपति का गजट प्रकाशित हो चुका है और उन आदिवासियों को राष्ट्रपति गजट यानी कानून का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन 14/6/16 को एक चिट्ठी निकालकर एक कर्मचारी किरानी के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानून को चुनौती देकर 11 आदिवासियों को अधिकार को रोक दिया गया है। ये बहुत ही खेद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस देश के लिए, जो कानून को एक पदाधिकारी चुनौती दे दे। वहीं बिहार के लोहार का मामला है, जो 1950 से 2006 तक लोहार लिखा जाता था, 2006 में लोहारा लिख दिया गया और ये गलत होने के कारण 2016 में सरकार ने भी इसको निरस्त कर दिया, जिसका कानूनी मान्यता प्राप्त है, राष्ट्रपति का गजट प्राप्त है, लेकिन वही कर्मचारी पदाधिकारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का एक चिट्ठी निकालकर हमारे अधिकार को रोक दिया है। मतलब लोहारा को लोहार में परिवर्तन अभी तक नहीं किया है, जिसको लेकर हमारा संगठन 40 बार कम से कम दिल्ली बिहार बीजेपी के जितने बड़े मंत्री हैं, MP हैं, कार्यालय है, आरा पटना दिल्ली तक हम लोगों ने करीब करीब 40 बार चक्कर लगा चुके हैं, लिखते पढ़ते हाथ दुखा गया है, अब हमारा सब्र जो है ख़त्म हो रहा है, धैर्य खो रहे हैं। न्यायप्रिय प्रधानमंत्री हैं, देश में बड़े बड़े काम किए हैं, NRC लाने का काम किए, नोटबंदी, GST या 3 तलाक या 370 जैसे, राम मंदिर जैसे विवादित मामले को हल करने की क्षमता जिस सरकार को है, क्या वह सरकार लोहारा और लोहार में फंसा कर रखेगी या राष्ट्रपति का जो अधिसूचना है, जो बना हुआ कानून है, उसके आलोक में लोहारों को न्याय देने का काम करेगी। आज ये आंदोलन भी हमने कम 7-8 बार लोकसभा में ये मामला उठा, हमने जंतर मंतर पर जा कर के आंदोलन किया, रेलगाड़ी रोका, लेकिन उन सारे चीज़ों से उब कर हमने अब अपनी नीचता जो है सब सभ्यता को छोड़कर आज हम अर्धनग्न समय प्रदर्शन के माध्यम से इस देश के मैं प्रधानमंत्री जी को और बिहार के सबसे बड़े लीडर कानून मंत्री रविशंकर जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक बहुत बड़े वकील हैं, सुलझे हुए सब व्यक्ति हैं, हमारे मामले को अपने देख रेख में सुलझाने का काम करें, अन्यथा 2020 का चुनाव है, आप समझ सकते हैं कि एक एक वोट जीतने के लिए ज़रूरी है और हमारे साथ हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 वोट जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने 2014 में कांग्रेस से विरुद्ध मतदान करने का काम किया था, भारी बहुमत से सरकार दिल्ली में बैठी, फिर जो है हम लोगों ने मतदान करने का काम किया, सरकार बैठी हुई है, सरकार न्याय करने के लिए होता है, पदाधिकारी न्याय करने के लिए होता है, लेकिन एक कमज़ोर समाज को प्रताड़ित करना यह कहीं से उचित नहीं। इसलिए हमारी मांग है इस देश के कानून मंत्री और प्रधानमंत्री से कि हमारे मामले में आप स्पेशल संज्ञान लें और राष्ट्रपति
शासन राष्ट्रपति कानून को उल्लंघन करने पर पदाधिकारियों को दंडित करें और अविलंब लोहारा नहीं लोहार लिखा अधिसूचना जारी कराएं। मेरा नाम राजकिशोर शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहार।